हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा था। वो आपका सिलेबस का था, सिलेबस को वहीं पर रोका जा रहा है क्योंकि बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम है। इसको ध्यान में रखते हुए एक फिजिक्स का मैं जो है आपके समक्ष मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इस मॉडल पेपर को आप परीक्षा से पहले पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का यानी पहला मॉडल पेपर का पहला लेक्चर है यह। तो देखिए, इस मॉडल पेपर में आप जानते ही हैं, पेपर इस मॉडल देखे ही होंगे। इसमें आपका खंड अ रहता है, खंड ब रहता है, खंड स रहता है, खंड द रहता है। इस रूप में आपका क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे आपका खंड अ में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, और ये 6 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का रहेंगे, और यह एक एक नंबर का क्वेश्चन विकल्प के रूप में दिया रहेगा। जो आप उस विकल्प का चयन करेंगे और उसको आंसर लिखेंगे, संभव जहाँ तक हो उसका आप सोल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करके उसके विकल्प को लिखिए और अच्छा रहेगा। तो आइए देखा जाए। 1 का आपका कॉल कर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला दिया विकल्प वेबर, दूसरा दिया वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा दिया वोल्ट इंटू मीटर, चौथा दिया न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है? देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का क, चूंकि जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका होता है क्लोज इंटीग्रल टोटल पृष्ठ के लिए होता है E into dA, या इसी को लिखते हैं फाई इक्वल टू E into A। ये आपका विद्युत फ्लक्स है और यही आपका फाइज कट भी इंटू होगा, ए होगा तो चूंकि फ्लक्स होगा। यानी अगर यही आपका फाइज कट का बी इंटू ए हो जाए तो चूंकि फ्लक्स होगा, जो कि फाइज कट ए इंटू ए होगा, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। अगर इसका मात्रक हम लिखते हैं यूनिट ऑफ फाइव इक्वल टू द यूनिट ऑफ ई इंटू ए, ई का मात्रक होता है देखिए न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसको भी चिन्ह कीजिए न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम इंटू मीटर। और देखिए न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम ये वोल्ट होता है इंटू मीटर। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। तो लिखेंगे आंसर विकल्प 3, यही सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ख। ये 1 का ख बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभाव्य त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध होता है। अब इसमें से देखिए कौन सा विकल्प होगा। पहला 9/2 ओम, 16/3 ओम, 12 ओम, 24 ओम। देखिएगा 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, यानी एक संभाव त्रिभुज, संभाव में ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो।
या 24 ओम होगा तो 8 ओम, संभाव्य समान होगा 8 ओम, पर यह 8 ओम कह रहा है कि दो शीर्षों की और इसके इसके हम मान रहा है ये है और यह भी इस शीर्ष के बीच प्रवाह प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस कंडीशन में हम देखते हैं चूंकि यह 8 ओम और 8 ओम श्रेणी में जुटा है, इसलिए आर डैश होगा आर धन 8 बराबर 16 ओम, ये दोनों मिलकर कितना हुआ 16 ओम। चूंकि आर डैश और यह 8 ओम यह दोनों मिलकर यह होगा 16 और यह 8 ओम समांतर मिटेगा, तो बोलिए जानते हैं 1/8 इक्वल टू 1/16 धन 1/8, 1/8 इक्वल टू 1/16 धन 2/16, 1/8 इक्वल टू 2 × 3 बटे 16 या आर इक्वल टू कितना जाएगा 16/3। देखिए कौन सा विकल्प होगा दूसरा, यहाँ लिखेंगे आंसर विकल्प दूसरा, सॉरी तीसरा लिखा दूसरा, कौन सा विकल्प हुआ दूसरा। ये आपका वन का ख का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब वन का घ देखिए, क्वारा एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 ओम आर बराबर 100 ओम दिया है, एक्सएल यानी आपका प्रेरण प्रतिघात है आपका 200 ओम, ये धारती प्रतिघात है एक्सी बराबर 200 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा के बीच स्थानांतर ज्ञात करना है यानी फाई कितना होगा। पहला दिया 0 अंक, दूसरा दिया 30 अंक, तीसरा दिया 45 अंक, चौथा दिया 90 अंक। तो देखिए वन का ग क्या दिया है, देखिए आर बराबर दिया आपका 100 ओम, फिर इसके बाद एक्सएल दिया है आपका 200 ओम, एक्सी दिया है 100 ओम, देखिए 100 ओम है, श्रेणी क्रम में जुटे हैं आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित कलांतर यानी फाइव इक्वल टू वाट। चूंकि जानते हैं कलांतर के लिए टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल 200 - 100 आर का मान 100, टेन फाइव इक्वल टू 100/100 या टेन फाइव इक्वल टू 1, इसको टेन 45 का मान होता है तो फाइव इक्वल टू कितना जाएगा 45 ओम, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आंसर विकल्प कौन सा तीसरा सही है 45 ओम। और देखिएगा करा वन का घ क्वेश्चन नंबर 1 का घ, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो, देखिए ध्रुवण कोण अल्फा हो और क्रांति कोण बीटा हो तो करा टन अल्फा इंटू साइन बीटा इज पर ध्रुवन होगा, कट अल्फा इंटू साइन बीटा इज पर ध्रुवन होगा, तीसरा टेन अल्फा इंटू कॉस बीटा इज पर ध्रुवन होगा, चौथा ये आपका कट अल्फा इंटू कॉस बीटा इज पर ध्रुवन होगा। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा के कंडीशन में
जो यह होता है तो काट अल्फा इंटू साइन बीटा का गुणनफल एक होता है, यही कंडीशन होता है इसमें। ए इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, आंसर विकल्प दूसरा, आंसर विकल्प दूसरा इसे हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर वन का अंग कर एक ही वेग से गतिमान निम्न में से किस कण का देबोगली तरंग अधिकतम होता है। पहला दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया प्रोटॉन, तीसरा दिया न्यूट्रॉन, चौथा दिया अल्फा कण। इसमें से कौन सा ऐसा कण है जो देबोगली तरंग को अधिकतम कर देता है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसमें देबोगली तरंग क्या करता है, अधिकतम करता है। तो आंसर आपका विकल्प हो जाएगा, आंसर विकल्प कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोष्टक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, A1 का अच्छा देखिए कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव न्यू जीरो के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। न्यू और न्यू जीरो के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसका ढलान क्या होता है, एच होता है, एच बाई ई होता है, ई बाई एच होता है, यू बाई वी होता है। तो क्या होता है, प्लान होता है एच बाई ई होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का छ हो जाएगा, आंसर विकल्प कौन सा सही होगा, दूसरा। ठीक है, और एक क्या होगा अगर लिखना चाहें तो एच बाई लिखते हैं प्लान मेतान और इलेक्ट्रॉन का अनुपात। ठीक है, उसका ढलान क्या होगा, प्लांक नेतांग और इलेक्ट्रॉन का अनुपात। इस प्रकार यह पहला मॉडल पेपर का या खंड ओ का एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ और उसका कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अब हम लोग खंड ब के जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उस मॉडल पेपर का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।